तो मायावती ने ऐसी मतलब अपनी पार्टी में क्या कमी दिखाई कि पार्टी के खुद एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए? भाई ऐसा है कि आज से नहीं शुरू से ही इनके एमएलए चले जाते, हर स्टेट में चले जाते, और चले जाना चाहिए क्योंकि आप बिना पैसे का टिकट नहीं देते। इस पार्टी में लोग हैं क्यों, पूरा जीवन लगा देते हैं तो भी पैसा देकर के टिकट मिलता है। दूसरी बात, कार्यकर्ता की हत्या हो जाए, मर जाए, कोई फोन नहीं उठाना। मुझे तो लगता है कि जिस एक एक कार्यकर्ता अगर बीएसपी में है तो गुनाहगार है। इस सब सम्मान हमें काशीराम जी का है, पूरा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम जी की विचारधारा में फर्क है, बिल्कुल विपरीत दूरी पे खड़े हुए। जय भीम साथियों, मैं खुशबू आपके साथ दलित टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है उदित राज जी। यूपी में चल रही उथल पुथल को लेकर आज उदित जी हमारे साथ बात करने वाले हैं। तो उदित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मायावती जी ने जो अभी अपने विधायकों को निष्कासित किया है, उस पर आपकी क्या राय है? निष्कासित नहीं किया है, वो गए हैं। जब उन्हें पता लग गया कि ये फपादी पार्टी ज्वाइन कर दिया, करना ही है इनको, तो उन्होंने कागजी कार्रवाई करके एक अपनी छवि बचाने की कोशिश किया। वैसे अगर बीएसपी में जो लोग जुड़े भी हैं उन सबको महान में मानता हूँ, सबकी मायावती जी को, क्योंकि इस पार्टी में लोग हैं क्यों, पूरा जीवन लगा देते हैं तो भी पैसा देकर के टिकट मिलता है। दूसरी बात, कार्यकर्ता की हत्या हो जाए, मर जाए, कोई फोन नहीं उठाना। संसद और विधानसभा के अंदर कभी कोई मांग को लेकर, किसी अधिकार को लेकर के चर्चा कराना, बहिष्कार करना नहीं, 5 साल तक शांत बने रहना, और केवल कार्यकर्ता पार्टी को चला रहा, नेता नहीं चला रहा। ऐसे में एमएलए गए हैं तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। मुझे तो लगता है कि जिस एक एक कार्यकर्ता अगर बीएसपी में है तो गुनाहगार है इस सब में, इसलिए कि इनके बीएसपी के साथ रहने से कांग्रेस कमजोर होती है, और जब कांग्रेस कमजोर होती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और संविधान खत्म करती, हिंदुत्व लागू करती, आरक्षण खत्म करती, सब कुछ खत्म करती, या बीएसपी लड़ाई लड़ती, अधिकार की लड़ाई लड़ती, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती, सड़क पर लड़ाई लड़ती। हम समझते थे ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सब साथ में हैं। तो ये स्थिति है, इन परिस्थितियों में एमएलए को निकाला नहीं गया है। एमएलए गए हैं, उन्हें मालूम हो गया था कि आज ये ज्वाइन कर लें। तो जैसे कि काशीराम जी के जो बातें थी, अंबेडकर जी की राह पे चलना और दलितों का साथ देना, तो क्या बहन जी उन राहों पर है? देखिए, काशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर जी का कहीं मेल जोल है नहीं, और जबरन लोग इसको कंपेरिजन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति विहीन समाज की बात करी थी, काशीराम जी ने जातियों का संगठन खड़ा किया। ये दोनों विपरीत बातें हैं, दोनों विपरीत बातें। और दूसरी बात, जो काशीराम जी ने जो ड्रीम, जो आशा दिया, और उन लोगों को भी समर्थन का हिस्सा मान करके, जो तो थे नहीं, जैसे 85%, तो 85% किसी के जेब में नहीं है। हजारों वर्ष से जिस तरह का सामाजिक ताना बाना है, पिछड़ा वर्ग तो दलित का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं कर सकता, जिसके जिसके उम्मीद से दलित भी जुड़ा कि अरे 85% भी आ जाएंगे, हमारी सत्ता होगी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का या विश्वगुरु होने का एक जो सपना बेचा, एक आशा की किरण भरी कि हम तो भारत बदल देंगे, विश्वगुरु होगा, उसी तरीके से काशीराम जी ने दलितों को एक सपना दिखाया, अरे तुम तो हुक्मरान हो जाओगे। अब उस हुक्मरान के चक्कर में हुआ क्या कि जो रोजमर्रा की लड़ाई थी, जो अधिकार की लड़ाई थी, वो कभी लड़े ही नहीं,
न लड़ने दिया कार्यकर्ता, और खुद संसद में इन लोगों का कहीं कोई कभी भागीदारी नहीं देखा जाएगा कि मुद्दे पर बोला हो, चाहे वो सुश्री मायावती हो, काशीराम जी हो, या इनके सांसद तो डर की वजह से बोलते नहीं थे, मेले बोलते ही नहीं थे। तो कहने का मतलब कि सम्मान हमें काशीराम जी का है, पूरा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम जी की विचारधारा में फर्क है, बिल्कुल विपरीत दूरी पर खड़े हुए हैं। भले मंजिल एक हो, मंजिल एक हो, लेकिन रास्ते अलग है। तो जैसा कि आपने कहा कि वह निष्कासित नहीं हुए, वह पार्टी खुद छोड़कर गए हैं, तो मायावती ने ऐसी मतलब अपनी पार्टी में क्या कमी दिखाई कि पार्टी के खुद एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए? भाई ऐसा है कि आज से नहीं, शुरू से ही इनके एमएलए चले जाते हैं, हर स्टेट में चले जाते हैं, चले जाना चाहिए, क्योंकि आप बिना पैसे का टिकट नहीं देते हो, और जो इनका दावेदारी होती है और जो क्षेत्र तैयार करता है और चुनाव के समय वो पैसा नहीं दे पाता, उसका टिकट काट करके पैसा देने वाले को दे देते। जब पैसा दे के टिकट लिया ही है तो क्यों रुकेगा क्यों? एक बात। दूसरी बात है कि एमएलए एमपी बन गया न, वो बयान दे सकता है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, न धरना प्रदर्शन कर सकता है, न चिट्ठी पत्री लिख सकता है, न टेलीफोन कर सकता है, न संघर्ष कर सकता है, तो बनाई किस लिए है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मायावती अपने एमएलओ को अधिकार से वंचित रखती हैं? देखो संसद में देख लो, 20 25 30 40 साल से जब से एमपी आ रहे हैं, किसने बोलना, कोई बोला? कभी कभार जब उधर से कह दिया जाता है बोल दो तो बोल दो, जो बोला उसको निकाल भी दिया जाता है। इनके यहाँ एक अमन कुमार नागरा हुआ करते थे, मेरे मंच पर आए और आरक्षण बचाने मंच पर, इस बात को मन में ले लिया, बाद में निकाल दिया पार्टी से, क्योंकि समाज के हित में आया था। तब ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि बहन जी समाज के हित में कार्य नहीं कर रही है? समाज के हित में काम करती तो 5 साल कहीं दिखाई पड़े? वो जो रुपया पैसा नोट कमा लिया है वो उतना ज्यादा उनको डरवा दिया है, और ये जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले इतना डरवा दिया है इन्होंने कि मुंह खोलते ही वो जेल का दरवाजा दिखाते हैं। तो आप ये बताइए कि आगामी चुनावों में मायावती बसपा का सीएम के लिए कुछ उनके आसार है या नहीं? बहुजन भारतीय जनता पार्टी 2012 से 2009 से जब आता है लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का, तो पीछे से प्रचार कराती है कि मायावती जो फ्यूचर प्रधानमंत्री होंगे, ताकि दलित वोट इधर उधर न कटे, न सपा में लगे न कांग्रेस में लगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, और दलित लोग भी हैं, नादान लोग हैं, हाँ आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अरे 2014 में एक लोकसभा की सीट नहीं ले पाए 35 साल के बाद, तो कैसे बन जाएंगे भाई? यथार्थता में रहना चाहिए, सच्चाई में रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इस बार दलित की सरकार आएगी या गठबंधन की? ये तो भविष्य बताएगा कि किसकी सरकार आएगी, और जब तक जाति व्यवस्था है तब तक दलित की क्या आएगी। दलित को भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए, जाति तोड़ना चाहिए, जाति जोड़ना चाहिए, भागीदारी की लड़ाई संघ करना चाहिए।